अभी मेरा भी यही हो रहा है, मैं तो शादी भी हो गई, जॉब भी कर रहा हूँ और चैनल भी चला रहा हूँ, तो किसी तरह मैनेज करना पड़ता है, फटाफट टाइम निकाल के इधर उधर, कहीं टाइम मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ। आज जैसे सुबह से मुझे आज का दिन अपना बड़ा अच्छा लगा, सुबह एक लियो एंड लॉन्जेविटी है, उसके साथ वो यूएस में रहता है, उसके साथ एक इंटरव्यू करा आधे पौन घंटे का, वो हो गया। सेकेंड एक आपके साथ कर रहा हूँ, और आज मैंने दो वीडियो भी अपलोड कर दी और जॉब भी करके आ गया अपनी 7 घंटे की। क्या बात आज है, बिल्कुल आज मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन लगा कि 4 वीडियो हो गई और जॉब भी हो गया और सब कुछ हो गया। बढ़िया। आपका मैंने नोटिस कर लिया, आपका बढ़िया चल रहा है एकदम। मतलब जॉब भी अपनी जगह सही है, और यूट्यूब को लेकर जो मतलब जो बना हुआ है ना आपका रिज्यूम, बहुत सही है। क्योंकि यही चाहिए, इतना इंटरेस्ट चाहिए तभी ग्रो कर पाता है इंसान। बढ़िया, एकदम सही चल रहा है। और आर्म रेसलिंग इतनी छोटी चीज है कि मेरे 5,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए थे, 4,500 सब्सक्राइबर थे, डेवन लेरेट ने मुझे खुद बुला लिया अपने चैनल पे। मतलब 4,500 सब्सक्राइबर भी आपके हैं तो आपको सब जान जाते हैं आज की डेट में, इतने इतना छोटी कम्युनिटी है बिल्कुल आर्म रेसलिंग की। अभी आप फिटनेस में सोचो, फिटनेस हाँ, में किसी के 50,000 भी सब्सक्राइबर हैं, उसे भी कोई नहीं जानता होगा आज की डेट में, क्योंकि इंडिया में 5-5 मिलियन वाले बैठे हैं, 3-3, 4-4 मिलियन वाले बैठे हुए बिल्कुल हैं। और ये आर्म रेसलिंग का बेनिफिट अगर आप आज की डेट में, सबसे बड़ी बात तो बड़े लोगों से बात करने को मिलती है, मेन ये होता है। अब अगर हम अपनी वही जॉब करते रहे तो कहाँ की कोई, कहाँ डेवन लैरेट से बात करने को मिलेगी, कहाँ किसी और से बात करने को, और इन लोगों से सही सीखने को बात, बहुत मिलता है। अभी जैसे लियो एंड सही बात। लॉन्जेविटी से किया मैंने इंटरव्यू, तो इतना देखा, बट प्रोफेशनल बंदा है, इंटरव्यू बिल्कुल टाइमिंग से पूरा शेड्यूल्ड, दिन में दो दो तीन तीन चार चार लोगों के साथ इंटरव्यू करता है, टाइमिंग का पूरा पाबंद आदमी है। उससे मैंने ऐसे कहा कि टाइमिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा सही तो बात आकाश ये बताओ, आपका एक दिन में, मैंने एक दो द डचमैन कहीं करके ऐसे एक चैनल था जिस जो आपके घर पे आया था, एक नेदरलैंड का बंदा था, एक उसने अच्छा। वीडियो, हाँ हाँ उसने एक वीडियो डाली थी, मैंने वो देखी थी, ए डे इन लाइफ विद रिस्ट हंटर, तो वो वीडियो तो देखी थी, मैं लिंक में भी डाल दूंगा। आप ये बताइए, आपका दिन ऑफ सीजन में जब आप प्रिपेयर नहीं कर रहे किसी मैच के लिए, और जब प्रिपेयर कर रहे हो, तब दिन कैसा निकलता है आपका? मतलब एक दिन में शुरू से लेकर लास्ट तक क्या करते हो आप? देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई कंपटीशन आता है और जब मुझे पता चल जाता है कि कंपटीशन मेरे सामने है 1 महीने बाद और मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, तो ये मान लीजिए कि मेरा ज्यादा फोकस उस कंपटीशन को लेकर ही होता है। डेली का मेरा पूरा दिन कुछ इस तरह से जाता है कि मॉर्निंग में उठना, अपनी हेल्दी डाइट लेना, और दिन में मैं अपना आर्म रेसलिंग का वर्कआउट करता हूँ घर पे, और शाम को मैं जिम जाता हूँ। और मेनली यही चलता है, और बाहर कहीं घूमना फिरना नहीं होता है, कहीं किसी ऐसे काम में बिजी नहीं होता हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग पर पूरा फोकस ना कर पाऊँ। तो टोटली ये मान लीजिए ट्रेनिंग पर पूरा फोकस रहता है, 100% मान लीजिए, पूरा एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट और अपना बस आराम, और कुछ नहीं। और जब मैं कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है और विदाउट कॉम्पिटिशन मेरा डे कुछ ऐसा निकलता है कि अब दिमाग में ये रहता है कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त ट्रेनिंग के लिए एकदम 100% अलर्ट रहें और फोकस्ड रहें। तो ये रहता है कि एक दिन छूट भी गई ट्रेनिंग, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद कर लेंगे, इस तरीके से 1-2 दिन निकल जाते हैं। और डाइट में भी ये रहता है कि जरूरी नहीं है कि हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, जो मिल रहा है वो खा लिया। तो इस तरीके से ऑफ ऑफ डेज में ऐसा हो जाता है, और जब कॉम्पिटिशन का टाइम होता है तो वहां पूरा फोकस रहता है। तो लगभग मान लो आज से 2 महीने बाद आपका, मान लीजिए राहुल पनेकर से मैच है, तो दिन में लगभग कितना टाइम ट्रेनिंग में लगता होगा? 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितनी ट्रेनिंग होती है? दिन हाँ में एक ये दिन मान में। लीजिए कि मैं अपना घर पे कम से कम 2 घंटा वर्कआउट करता हूँ, जो घर पे जो आर्म रेसलिंग का मेरा सेटअप है उसमें कम से कम 2 घंटा आराम से मैं वर्कआउट करता हूँ, और जिम होती है, जिम के अंदर भी अराउंड 2 से 2.5 घंटा मेरा वर्कआउट हो जाता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए पूरे दिन भर में 3 से 4 घंटे का वर्कआउट हो जाता है। और बीच में मतलब मेरा कुछ ऐसा भी शेड्यूल रहता है पूरे हफ्ते में कि एक दिन मैं आर्म रेसलिंग का वर्कआउट कर रहा हूँ, और उसके नेक्स्ट दिन में, नेक्स्ट डे पर मैं अपना आर्म रेसलिंग के वर्कआउट का गैप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर डेली डेली वर्कआउट चलता रहेगा तो प्रॉपर मसल को प्रॉपर रिलैक्स नहीं मिल पाता है, रिकवरी नहीं हो और पाती है, रिलैक्स के लिए 24 आवर्स, 48 आवर्स का गैप देना जरूरी है। सही बात है। तो एक्सरसाइज भी चेंज करता रहता हूँ डे बाई डे, और अपना थोड़ा रेस्ट भी चलता रहता है, लेकिन एक्सरसाइज पूरी मतलब इतना चलती है मेरी, 3 से 4 घंटा हो जाता है। अच्छा एक लड़के ने मेरे से व्हाट्सएप पे सवाल पूछा था, मैं नाम तो भूल गया क्या था, कि जो बिगिनर्स के लिए एल्बो में पेन होता है स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिस करते हैं, आपने कब तक फील करा, उसके लिए कुछ किया, या फिर कितना हमें ध्यान देना चाहिए, कब तक खत्म हो जाएगा वो पेन होना? वो पेन एक ऐसी चीज है, अगर आप आर्म रेसलिंग में एक बार एंटर हो गए तो कम हो पहली बात तो जाएगा, ये मैं समझ गया आप बोलोगे पेन तो खत्म नहीं पीछा नहीं होगा। छोड़ेगा कभी आपका, पेन तो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तो माइकल टॉड को भी होता होगा,
और लेवान को भी होता होगा, ठीक है, वो पेन से पीछा नहीं छूटता है। हाँ लेकिन ये है कि जो बिगिनर्स लोग होते हैं उन लोगों के पेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो अभी एकदम अपनी फ्रेश मसल लेके उसमें आर्म रेसलिंग में एंटर हुए हैं, उनकी मसल्स अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई, उनके टेंडन्स अभी उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं हुए, जो वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मसल्स जल्दी जल्दी थकती हैं और मसल्स पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, वो अच्छे से बॉडी को रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो पेन उनका बहुत लंबे समय तक बना रहता है, तो उनको पेन ठीक करने में बड़ी दिक्कत होती है, उनको पेन ऐसा लगता है इतना भारी कि पंजा लड़ा रहे हैं तो उधर दूर, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उधर दूर है। लेकिन उनको समझना ये जरूरी है कि आर्म रेसलिंग में अगर पेन को ठीक भी करना है तो प्रॉपर रिलैक्स भी करना है, डाइट अच्छी होना बहुत जरूरी है, हाई प्रोटीन डाइट होना बहुत जरूरी है, और थोड़ा सा खुद पे पेशेंस भी रखना है, मतलब एकदम जल्दबाजी में पेन को ठीक करने के पीछे ना पड़े, मतलब ऐसा ना हो कि आज दर्द हुआ वो कल ही ठीक हो जाए, थोड़ा टाइम लगता है पेन को ठीक होने में भी, तो यही है कि अपनी अच्छी डाइट, प्रॉपर रेस्ट और थोड़ा सा टाइम दें उसे। क्योंकि मेरे भी जब स्टार्टिंग जब मैंने मैच स्टार्ट किया था खेलना, तो स्टार्टिंग में 2-3 साल तक इतने अजीब अजीब पेन होते थे कि आर्म रेसलिंग जब मैं नेशनल लेवल खेलना चाहता था तो नेशनल के बाद हम लोग हमेशा प्रैक्टिस करते थे, खूब प्रैक्टिस करते थे, बहुत खूब खूब देर तक, तो प्रैक्टिस के बाद हमारे हाथ ऐसे हो जाते थे कि बिल्कुल लटक जाते थे, उठाने का मन नहीं करता था, हम बहुत दर्द होता था, लेकिन आज नहीं होता वो, आज नेशनल के बाद खूब प्रैक्टिस करते हैं हम, बिल्कुल हाथ में पेन नहीं होता, थोड़ा बहुत सोरनेस होती है तो 1-2 दिन बाद ठीक हो जाती है अच्छी प्रोटीन डाइट लेने पर, तो वही है कि मसल उस लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, कि वो समझ चुका है, उसमें एक मेमोरी आ चुकी है कि थकने के बाद कितने टाइम के अंदर वो उसे वो ठीक हो ही जाता है, लेकिन नए लोगों के साथ ये चीज नहीं हो पाती, उन्हें लगती है बहुत जल्दी कि कितना जल्दी हम उसे ठीक कर लें, ये दर्द जाए और अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करें, लेकिन जल्दबाजी नहीं, थोड़ा टाइम देना जरूरी है। अच्छा, मेरे साथ ही होता है कि मेरा पूरा गैप हो जाता है। अगर मैं 4-6 महीने जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, अब उसके बाद मैं छुट्टी गया 1 महीने की, तो वही पेन दोबारा आ जाता है पूरा, तो कभी खत्म हो ही नहीं पाया मेरी एल्बो से। अभी सोचता हूँ पहले दिन ट्रेनिंग करने के लिए दोस्तों के साथ, अब छुट्टी है मेरी 2 हफ्ते की, अब पहले दिन ट्रेनिंग की उसी में इतना पेन हो गया हाथ में कि 10 दिन तो उसे ठीक होने में ही लग गए पहली बारी में। तो क्या, मैं छुट्टी जाता हूँ, मेरे पास मैक्सिमम मैं दो दो सेशन निकाल पाता हूँ, फिर 4-5 महीने बाद छुट्टी आ रहा हूँ, और यहाँ पे कोई है भी नहीं मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाला। 4 महीने बाद फिर छुट्टी आता हूँ, तो फिर वो पहली बार वो फिर दोबारा वही पेन होता है। अगर रेगुलर करते रहे तो खत्म हो, मेरा वो खत्म ही नहीं हो पा रहा पेन, प्रॉब्लम ही हो रही है साथ में। हाँ उसकी उसके पीछे की यही वजह है कि आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा इस चीज में और टाइम भी देना पड़ेगा, मतलब सारी चीजें एकदम प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी, मतलब आपको डाइट भी प्रॉपर देनी है, आपको रेस्ट भी प्रॉपर करना है और एक्सरसाइज भी अच्छे से करनी है, तब वो एक टाइम आएगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगी ना जब, तो वो पेन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, स्टेमिना बढ़ने लगेगा, मसल स्ट्रांग होने लगेगी, तो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर जिस जिस हिसाब से आप बता रहे हो गैप दे देके तो उसमें तो थोड़ी नहीं हो प्रॉब्लम पाता। आएगी। अच्छा, ये मैंने एक चीज देखी है, जो आर्म रेसलिंग का ये पेन होता है, ये होता भी आर्म रेसलिंग से ही है और ठीक भी आर्म रेसलिंग से ही होगा। अब जिम में मैं कितना भी वर्कआउट कर लूं हाँ बिल्कुल भी पेन नहीं होता, क्योंकि इसकी आदत हो चुकी नहीं बॉडी हाँ को। तो आर्म रेसलिंग करता हूं तभी वो दर्द आता है वापस, और वही करूंगा तो उसी से ही वो ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, ये बात कर रहे थे हम बीसीआई की, तो जब 2019 में हुआ था बीसीआई का पहला इवेंट, तो पूरा सब जबरदस्त था। मुझे मैं हालांकि मेरा वो पहला ही टूर्नामेंट था, बट मैं फिर भी पहला बंदा भाई, पहली बार भी उसे देख के बंदा बता सकता है कि हाँ ये बेस्ट लेवल का हुआ होगा। जो 1,500 रुपये फीस थी उसमें आपको होटल भी मिला, खाना पीना भी मिला, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छे से इवेंट हो गया, टी शर्ट भी मिली थी, तो 1,500 से तो ज्यादा लोगों ने वसूल कर लिए थे वहां पर जाके, जो मुझे लगता है। हाँ तो इतना अच्छा इवेंट बिल्कुल हुआ। एक बार रेनबो भी कराया, वो भी उनसे छुट के बीसीआई के हाथ में आ गया था। तो दोनों भाई शेरोन शेरोन ब्रदर्स पूरे फॉर्म में लग रहे थे कि हाँ बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, अब कर रहे थे अब, लेकिन उनके हाथ से भी मौका छीन गया जो आपके साथ हुआ, अब वो भी नहीं कर पा रहे लॉकडाउन की वजह से। तो आपकी उनसे कुछ बात होती है, तो क्या क्या प्लान्स क्या है बीसीआई के भी आगे? हाँ, मेरी बात होती रहती है बीसीआई के ऑफिशियल्स लोगों से भी होती है और कुछ जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके साथ भी बात होती है, क्योंकि मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि इतना टाइम हो गया है अभी तक कोई इवेंट क्यों नहीं आ रहा है, अदर फेडरेशन वगैरह जो अदर फेडरेशन है इंडिया में वो लोग करा रहे हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन में करा रहे हैं बट करा रहे हैं, चाहे छोटा करा है चाहे बड़ा करा है, लेकिन अपनी जो फेडरेशन है वो क्यों नहीं मैच करा रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तो उनका कहना सेम होता है, मतलब मैंने 2 बार 3 बार जितनी बार पूछा तीनों बार चारों बार मतलब उनका सेम जवाब आता है कि ये कोरोना की वजह से सब कुछ पोस्टपोन हो जाता है, हम लोग मैच डिसाइड करते हैं जब मैच कराने की बारी आती है तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सारा मैच पोस्टपोन हो जाता है, तो ऐसे ही करते करते इनके 3-4 बार मैच पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि बीच में कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब मैच हो सकता है लेकिन उस टाइम पर भी मैच नहीं हो पाता, अब वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं हो पा रहा या फिर वो लोग पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है कह नहीं सकते,
लेकिन मुझे तो यही सुनने को मिलता है कि भाई कोरोना जब तक पूरी तरीके से जब पेंडेमिक खत्म नहीं होता तब तक तो इवेंट नहीं होने वाला। अभी हाल फिलहाल का लेटेस्ट अपडेट तो यही है, मतलब वो लोग अपना स्टेट के अंदर एक छोटा मोटा इवेंट कराते रहते हैं लोग, लेकिन जो एक प्रोफेशनल एक बड़ा इवेंट होना चाहिए जिसमें पूरा इंडिया खेले, वो चीज नहीं करा पा रहे वो लोग। तो भाई मेरे तो वैसे तो एक्सपीरियंस तो इस चीज में बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितना मैंने बाहर के देशों को ज्यादा स्टडी किया है रेसलिंग में इंडिया से ज्यादा, मैं सभी के लिए अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं जिसके हाथ में पावर है इवेंट्स कराने के, मैं यही सलाह दूंगा अगले 1 साल तक कम से कम सुपर मैचेस पे ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि बिल्कुल टूर्नामेंट बिल्कुल लोगों को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते जितना सुपर मैच करते हैं। सुपर मैच में एक दो लोगों के बीच में टक्कर होती है तो उसमें लोग ज्यादा बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हैं, और उसमें लॉकडाउन का भी झंझट नहीं आएगा, दो ही लोग है, हाँ गैदरिंग भी नहीं हो रही, चार तीन चार इवेंट गैदरिंग कराने वाले हो गए, कैमरा वगैरह हो गया, और दो लोग हो गए, एक दो दो रेफरी हो गए, 10 लोगों के अंदर आराम से अगर हाई लेवल पे भी कर रहे हो दस लोगों में आराम से निपट जाएगा मैच सुपर मैच वापस। तो पॉसिबल होता है और मैंने भी कोशिश करी, लेकिन वही है कि मुझे प्लेयर नहीं मिल पा रहा है। मैं तो बिल्कुल रेडी बैठा हूँ कि अगर मुझे अभी पता, कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से 3 या 4 दिन पहले मैंने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था और उस स्टेटस में मैंने लिखा था कि मेरा वेट 74 kg है और अभी मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ ऑल ओवर इंडिया में कोई भी मेरे वेट कैटेगरी का जो हो उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जबकि व्हाट्सएप में 250-250 कॉन्टेक्ट से ऊपर हैं सारे आमरे सर से, बहुत सारे, लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई जाके उससे खेल लो या भाई मैं रेडी हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं कहीं से कुछ नहीं। तो अब इस चीज से जो आपने मुझे बताया, मैंने भी देखा था वो स्टेटस, में वेट की आपसे जानना चाह रहा था, आपने 65 बताया था 2013 लास्ट में, तो वेट आपका बहुत कम बढ़ा है, अभी मैंने 1.5-2 साल पहले आपको देखा, आपका ओनली 68 kg था 2013 लास्ट में, 2014 लास्ट में, 14 लास्ट में, तो फिर भी लगभग 7 साल हो गए और आपका 10 kg भी वेट नहीं बढ़ा, और अभी मेरे ख्याल से आप 2 साल पहले तक तो आप 68 पे ही थे, हाँ 65, 65 पे। 2018 का 2018 का नेशनल मैंने जो लखनऊ में हुआ था वो 65 kg कैटेगरी में खेला था। तो क्या प्लान आगे, मतलब किस वेट कैटेगरी में खेलना है आपको? एक्चुअली मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि मैं हमेशा से मेरी थिंकिंग कुछ ऐसी रही है आर्म रेसलिंग को लेके कि पहले अपने वेट में ऑल ओवर इंडिया के अंदर नंबर 1 बन जाओ, उसके बाद नेक्स्ट वेट कैटेगरी में जंप करके खेलना चालू करो। तो अभी तक हुआ क्या कि मैं जो मेरा गोल था कि अपने वेट के अंदर रहकर 70 kg में रहकर इंडिया के टॉप आर्म रेसलर्स को हराना, तो उसमें क्या हुआ कि टॉप में से जो कुछ आर्म रेसलर्स हैं उनको तो मैं बीट करके आगे निकल गया, लेकिन जो एक दो आर्म रेसलर ऐसे हैं जो जिनका नाम वाकई में बहुत ऊपर माना जाता है, अब 70 kg में अगर सबसे ऊपर नाम अगर आए तो राहुल पेनेकर सबसे राहुल ऊपर पनेकर। आता है। ठीक है, अब जो हमारी फेडरेशन है BCAI उसमें 70 kg का करंट चैंपियन मैं हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोगों की डिमांड ये है कि आप राहुल पनेकर से हो, तो मैं भी यही सोचता हूँ कि एक बार एटलीस्ट एक बार कम से कम मेरा राहुल पनेकर से 70 kg वेट में रहकर हो जाए, तो मुझे एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि हाँ मेरा, मैं अपने वेट में 100% स्ट्रांग हूँ कि नहीं। और अगर ये मैच हो जाता है और मैं 70 kg के अंडर रहकर राहुल पनेकर से जीत जाता हूँ, मैं डेफिनेटली, मतलब मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, मैं 70 kg कैटेगरी उसी दिन लीव कर दूंगा, 78 में चला जाऊंगा। सही बात है। अच्छा, मुझे जो आपके इन बात से लग रहा है कि आपके व्हाट्सएप पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है कि फिर इंडिया में हो सकता है ये अभी भी बहुत ज्यादा है कि लोग अपनी इमेज बचाकर चलना चाहते हैं कि हम कहीं हार ना जाए, लोगों को बिल्कुल दिखे नाम, और जो कि बिल्कुल बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज। जब आप हारोगे उससे जो मोटिवेशन मिलता है ना, जो डेवन लेरेट बताता था कि डेनिस से हार के जो मोटिवेशन मिला उसे, वो कभी नहीं मिला था, हार से जितना मोटिवेशन मिलता है किसी चीज से नहीं मिलता, और हारने से ही बच रहे हैं लोग, डर रहे बिल्कुल, हैं। ये बात सच है। इमेज को लेके मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, अभी भी अपने इंडिया में ऐसे ऐसे आर्म रेसलर्स हैं, बहुत बड़े आर्म रेसलर्स के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अच्छे खासे आर्म रेसलर्स, वो लोग मतलब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपने हारने के वीडियोस यूट्यूब पर नहीं डालते हैं, कभी भी। और मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरे हारने के वीडियोस हमेशा आएंगे तो देखना। और जो कुछ आम लेसर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं लेकिन अपने हारने के वीडियोस नहीं डालते, उसकी वजह यही होती है कि ना अपनी इमेज इतनी प्यारी है कि वो इतने ज्यादा बड़े लेवल पे जा चुके हैं ना कि अपने हारने का वीडियो दिखा नहीं पाते हैं सबके सामने, शो नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई ये देखे कि मैं हार गया इससे। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता, मैं चाहे छोटे प्लेयर से हारूं चाहे बड़े प्लेयर से हारूं, अपने हारने की वीडियोस हमेशा डालता हूँ हमेशा, इससे लोगों को पता रहता है ना कि मतलब मेरी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो आप अगली बार ये बोलना स्टेटस पे, ये लगाना कि मेरे साथ मैच करो, अगर हार गए तो वीडियो नहीं डालूंगा, तब देख लो रिस्पॉन्स आता है तो नहीं काफी लोग एग्री हो जाएंगे, काफी लोग एग्री हो जाएंगे। आता। तो भाई अगर मैं जैसे देखो, अगर हमें बिगिनर्स हैं या कोई और है, कोई यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है, कोई आर्म रेसलिंग स्टार्ट कर रहा है,
हम चाहें कि आर्म रेसलिंग में हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि देश में थोड़ी बहुत आर्म रेसलिंग आगे बढ़े, तो उसके बारे में आपने कभी कुछ सोचा है, कोई सजेशंस के क्या हो सकते हैं कि एक नॉर्मल बंदा जो कि आकाश कुमार नहीं है, जो रिस्ट्रेंटर नहीं है, वो कैसे करके आर्म रेसलिंग को थोड़ा बहुत ग्रो करा सकता है, थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, थोड़ा पुश दे सकता है अपने स्पोर्ट को? अभी मैं, मेरा एग्जांपल ले लो, आर्म मैं क्या कर सकता रेसलिंग, हूँ आर्म रेसलिंग की मदद करने के लिए? अब देखो आप तो जो कर रहे हो वो तो सबको दिख भी रहा है, आप अपना यूट्यूब के थ्रू आर्म रेसलिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज लोगों तक पहुंचाते हो, तो ये भी एक अलग वे में अपना आर्म रेसलिंग को एक ग्रो कर रहा है। भले आप आर्म रेसलिंग करके नहीं दिखा रहे हो, लेकिन न्यूज के थ्रू लोगों में एक वो एक बात पहुंचा रहे हो जो लोगों को नहीं पता, तो ये आप अपने एक अलग वे में उसे ग्रो कर रहे हो जैसा आपका इंटरेस्ट है। तो इसमें एक चीज बहुत मायने रखती है कि जो भी नया बिगिनर आर्म रेसलर है, जो भी है, उसका इंटरेस्ट थोड़ा डिपेंड करता है कि किस चीज को लेके। अगर उसे आर्म रेसलर बनना है तो आर्म रेसलिंग में अंदर जाके फिर वो उसे ग्रो करने के लिए कुछ अपने अपने लेवल से सोचेगा कि मुझे क्या करना है। किसी का इंटरेस्ट आर्म रेसलिंग खेलने का नहीं है, बट आर्म रेसलिंग को प्रमोट करना चाहता है, बट कुछ अलग वे में, जैसे कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, कोई पैसे लगा के अपने आर्म रेसलिंग को ग्रो करना चाहता है। तो ये डिपेंड करता है अपने अपने इंटरेस्ट पे कि कौन इंसान कैसे उस चीज को ग्रो करना चाहता है। अच्छा, स्पॉन्सर्स का मुझे क्या तो लगता है, स्पॉन्सर सिर्फ एक चीज से आ सकते हैं, व्यूज से, कि आपकी वीडियो कितने व्यूज लोग देख रहे हैं। क्योंकि स्पॉन्सर को क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर आप मैच कर रहे हो, पीछे बोर्ड पे कोई मान लो मॉन्स्टर का बोर्ड लगा हुआ है किसी, ये तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, किसी मान लो छोटी कंपनी का लगा हुआ है बोर्ड, वो ये थोड़ी देखेगा कि उस रूम में 50 लोग खड़े हैं, वो लोग मुझे देख रहे हैं। उसका मेन ये है कि मेरी वीडियो किसी चैनल पर जाएगी, ये लोग बोलेंगे कि भाई ये इवेंट पूरा पूरा एबीसी इस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, और वीडियो को 1 लाख रुपए, 1 लाख लोग देखेंगे। तो उस चीज में स्पॉन्सर्स का इंटरेस्ट है। अभी आर्म रेसलिंग में उतनी ज्यादा व्यूज नहीं है, जब होंगी तो फिर स्पॉन्सर भी आएंगे, जो मुझे लगता है उसमें। इसीलिए यूट्यूब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोग इग्नोर कर देते हैं यूट्यूब को, लेकिन स्पॉन्सर और पैसा, भाई आप समझिएगा कि कितना जरूरी है किसी भी गेम में। ज्यादा से ज्यादा नंबर्स नंबर्स जब ही आएंगे गेम में, जब पैसा होगा। अभी आर्म रेसलर्स कम क्यों है, क्योंकि अभी तो क्या है कि शौक पे चल रहा है। आर्म रेसलिंग एक ऐसा गेम है जो अभी भी वर्ल्ड वाइड सिर्फ शौक पे, लोग पैशन पे, कि मजा आता है पंजा लड़ाना। शॉपिंग तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है अभी भी, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं है, जो पैसा कमाने के लिए पंजा लड़ाने जाता हो टूर्नामेंट में। बहुत कम होंगे, बहुत कम। अभी ना, सिर्फ शौक पे चल रहा है, शौक पे ही अभी चल सिर्फ रहा है। शौक पर चल रहा है। और पहले भी, पहले यो मतलब आज से 5 साल पहले आर्म रेसलिंग का जो लेवल था इंडिया के अंदर, वो तो पूरा ही शौक के ऊपर था। लेकिन अभी जब से लोगों को थोड़ा दिखा है कि हाँ इंडिया के अंदर भी आर्म रेसलिंग में पैसा मिलने लगा है, चाहे भले ही वो थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, तो उसके चक्कर में लोग बढ़े हैं आर्म रेसलिंग में, प्लेयर्स नए नए आना चालू हुए हैं। आज भी लोग मुझसे बस यही पूछते हैं मैसेजेस में कि ये क्या आर्म रेसलिंग में पैसा है, क्या जीतने पे इसमें कुछ नौकरी मिलती है, जिन लोगों को कुछ नहीं पता। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, जॉब तो नहीं मिलती, हाँ लेकिन पैसा जरूर मिलता है, और पैसा भी इतना नहीं मिलता कि तुम उससे अपनी लाइफ जी सको। बस तुम्हें अगर शौक है तो तुम्हें जीतने पर पैसा मिल जाएगा। ये मत सोचना कि तुम इसी पर डिपेंड होकर अपनी जिंदगी काटना चाह रहे हो, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर आर्म रेसलिंग का लेवल इतना बड़ा नहीं है कि आर्म रेसलिंग से तुम अपनी लाइफ काट लो। या तो तुम्हारे पास इसके अलावा आर्म रेसलिंग से रिलेटेड तो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल हो, यूट्यूब चैनल भी अगर बड़ा होगा तब भी वो लेवल अचीव नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि वो तो एक अलग ही चीज होगी। अगर यूट्यूब से भी बहुत सारा इससे पैसा आने लगे तो वो एक अलग चीज हो जाएगी, लेकिन उसके लिए गेम का बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। सही बात। अभी जो आर्म रेसलिंग टीवी जो है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, स्कूल बॉय है और उसका बड़ा भाई है, उनकी एक एक वीडियो पे आप देखो तो 20-20 मिलियन, 30-30 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। बहुत और उनका लगभग लगभग कैलकुलेट किया जाए ना, तो वो कोई ना कोई कम से कम 30-40 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का सिर्फ यूट्यूब से। इजिली, क्योंकि वो उनका उनका जो व्यू है वो फॉरेन कंट्रीज का ही हाँ, ज्यादा फॉरेन है। हाँ कंट्री से ज्यादा है और व्यूज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत बड़ा चैनल हो गया। बहुत अच्छा, ज्यादा। फॉरेन से कंपैरिजन मुझे याद है कि इंडिया का अभी आप क्या देखते हो कंपैरिजन आर्म रेसलिंग के लेवल में, जो टैलेंट का लेवल है, कि भाई 70 केजी के, 70 केजी के साथ यूएस के साथ भिड़ा दिया जाए। तो उसके बाद मैं एक आपके मैच पे भी आऊंगा, जो सैम पॉफ्चर से आपका मैच होने वाला था, उसके अपडेट में भी। तो अभी आपको लेवल क्या लगता है कि किस लेवल पे है अभी इंडिया कंपेयर टू बाकी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज? देख, यूरोपियन का तो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाता है, स्पेशली लो वेट में। मैं बोलूंगा अमेरिकन कंट्रीज के, अमेरिका या कनाडा के कंपेयर में अभी इंडिया कहाँ है? बराबर है, नीचे है, ऊपर है, कहाँ है? यूरोपियन कंट्रीज का तो आपने बता ही दिया है कि उनका लेवल तो बहुत ऊपर है, वहां तक तो बात करना ही बेकार होगा, क्योंकि तो वहां सभी जानते हैं कि वहां लोग कैसे हैं। अब अगर हम आते हैं थोड़ा अपने वेस्टर्न में, जैसे कि जैसे हमारे WAL के जो प्लेयर्स हैं, WAL के जो प्लेयर्स हैं उनका लेवल भी काफी हाई है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो यूरोपियंस जैसे ही हैं बिल्कुल,
लेकिन WOL के प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि उनके सामने अगर हम लोग अपने आप को रख के देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहां भी अभी हम उस लेवल पर अभी अचीव किया है कि वहां के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको हम हरा सकें, अभी भी उस लेवल पर मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन जैसे अनदर कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आर्म रेसलिंग अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन प्लेयर्स वहां से खेलने आते हैं, शायद ऐसी कुछ कंट्रीज होंगी जहां के प्लेयर्स को हम लोग एक टफ फाइट दे सके, हरा सके। लेकिन जो जो बहुत फेमस जो कॉम्पिटिशन होते हैं जैसे WOL हो गया, PAL हो गया, WAF हो गया, एशियन चैंपियनशिप जो होती हैं, तो यहाँ पर जो प्लेयर्स आते हैं उनके सामने अगर हम लोग अपना कंपेयर करते हैं, अपना अपने आप को रखते हैं उनके सामने, तो वो लेवल अभी हम लोगों के पास नहीं है, और मुझे जो लगता है ऐसा कि मेरा हाँ, मानना। मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले वो लेवल बराबरी का जो आएगा ना, वो लाइट वेट से ही आएगा। हैवी वेट में लाइट बहुत वेट से मुश्किल ही है। है। हैवी वेट में क्यों मुश्किल है? क्योंकि इंडिया का जो, किसी को बुरा ना लगे बट, लेकिन इंडिया का जो जीन्स है, जेनेटिक्स जो है, वो हैवी वेट वाले नहीं है। इंडिया में आपको 110 किलो का जो आदमी होगा, 120 किलो का आदमी, वो मस्कुलर नहीं मिलेगा, एब्स वाला नहीं मिलेगा कभी भी देखने को, फैटी फैट टाइप होगा वो, होगा। इंडिया में क्या होता है, अभी भी जो मैंने देखा है 80 90 90 तक मिल जाता है, 90 से ऊपर फिर थोड़ा मोटापे वाला ही शुरू होने लग जाता है केस। हाँ उससे बिल्कुल नीचे नीचे बिल्कुल, जो पातल लीन फिट जाता बंदे हैं वो मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जितना कम वेट है इंडिया का, उतना ज्यादा चांस है आज की डेट में भी। टैलेंट लो वेट कैटेगरी में सबसे बिल्कुल। ज्यादा हाई है इंडिया का। बल्कि अब तो अपने इंडिया में ऐसा भी होने लग गया है कि जो कम वेट के प्लेयर्स हैं, 70 kg के, 65 kg के या 75 kg के, वो हैवी वेट प्लेयर्स को ही हराने लगे हैं इंडिया के अंदर ही। मतलब हाँ एक 70 kg का प्लेयर एक 90 kg को हरा रहा है, या फिर एक 65 kg का प्लेयर 85 kg के प्लेयर को हरा रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि लाइट वेट कैटेगरी के प्लेयर्स पाउंड फॉर पाउंड ज्यादा स्ट्रांग है एक है हैवी वेट कैटेगरी प्लेयर के अकॉर्डिंग। जरूर। मैं वो मैच देखा था, आपने बोला तो मुझे ध्यान है, प्रणजीत साइकिया का 87 86 kg वेट था उस टाइम पे, और उसने गुलाब सिंह को हराया था मैच में। गुलाब सिंह का वेट कम से कम हाँ भी नहीं तो 125 किलो होगा मेरे हिसाब से, 115 हाँ आराम एक सौ से दस पंद्रह इजीली। के जी आराम से होगा वेट। हालांकि उसके हाँ थोड़े हाँ मैच भी लंबे हुए थे, लेकिन फिर भी एक 86 वाला सुपर हैवी वेट को हरा रहा है, बहुत बड़ी बात है। यही एक बड़ी बात यही है कि कम वेट के प्लेयर्स हरा रहे हैं। तो आपका मैच के बारे में बताइए, जो TAL में, यानी कि टोटल आर्म रेसलिंग लीग, कोई जानता हो नहीं हो तो, उसमें होने वाला था। जेफ फ्रेंक उसके ऑनर तो है और अमेरिका के उस सैम पॉफ्चर के साथ होने वाला था। तो क्या रहा भाई उस मैच का? मैच का कुछ ऐसा था कि वो मैच फिक्स तो हो चुका था सैम पॉफ्चर के साथ और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हुआ ये कि मुझे अपना पासपोर्ट बनवाना था और पासपोर्ट मेरा उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, काफी टाइम से बन ही नहीं पा रहा है। मतलब उसमें डॉक्यूमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो बन नहीं पा रहा है, और जब तक मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं होता तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है मैच हो पाना, क्योंकि मैं बाहर जा ही नहीं सकता। तो उस मैच को लेके हुआ जैसा जो TAL के जो क्या पता नाम उनका जेफ फ्रैंक जो उसे जेफरे चलाते हैं, तो जेफ फ्रैंक ने मुझे बोला था कि मतलब मैं तुम्हारा जो आने जाने का ट्रेवलिंग एक्सपेंस होगा वो मैं कर दूंगा और तुम्हारा होटल में स्टे भी कर दूंगा, बस फूड तुम्हें वो तुम्हें खुद करना होगा। तो मैं इस चीज पे एग्री था। उन्होंने कहा बस तुम अपना पासपोर्ट रेडी रखना, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मैं अपना पासपोर्ट रेडी करवा ही रहा था लेकिन उसमें एक ऐसा इशू आया कि उसकी वजह से मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं हो पा रहा है, ऊपर से TAL भी धीरे धीरे बीच में आपने सुना होगा पोस्टपोन हो रहा था, बीच हाँ में एक दो बार पोस्टपोन हुआ था, जगह चेंज हुई थी, वेन्यू चेंज हुए थे। तो अभी हल्का मुझे नहीं पता लेकिन जब तक मेरा पासपोर्ट क्लियर नहीं होता तब तक तो पॉसिबल नहीं है बाहर जाके कोई भी मैच खेल पाना। तो क्या है अभी उसमें उम्मीद है कुछ, कब तक हो जाएगा या फिर किस वजह से नहीं हो पाया? अभी मेरा नेक्स्ट मंथ, सॉरी नेक्स्ट मंथ नहीं, इसी मंथ सितंबर के मंथ में मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया है, तो वहां मैं जाऊंगा पासपोर्ट ऑफिस और पता करूंगा क्या प्रॉब्लम है, अगर बनता है तो बन जाएगा जल्दी से जल्दी, नहीं बनता है तो पता नहीं कितना समय और लग जाएगा। क्योंकि मैं यार उस मैच का है ना इतना ज्यादा इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो एक इंडिया में देखा जाए तो एक तरीके से लगभग बड़े लेवल पे एक पहला मैच होगा जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो बंदा भी US का नेशनल चैंपियन रह चुका, 65 kg शायद ऐसे कुछ ना वेट ना कैटेगरी में, 70 kg, 70 kg के अंदर। 70 kg में नेशनल चैंपियन रह चुका। तो पहला एक ऐसा मैच होता जिससे हम लेवल कंपेयर कर सकते थे कि भाई हाँ इंडिया का लेवल और यूएस कंपेयर का कर लेवल, सकते थे वो बहुत जरूरी था, बिल्कुल। लेकिन वो हो नहीं पाया। तो मैं उसी के इंतजार, अभी मैंने TAL 3 के कुछ पोस्टर्स मैं देखे। भी काफी उसके इंतजार में था। तो भाई वेस्टर्न, बाकी आर्म रेसलिंग को आप कितना फॉलो करते हो? लाइक कोई चैनल्स देखते हो या किसी के मैच देखते हो, ये कितना अपडेटेड रहते हो आप, वेस्टर्न क्या हो रहा है? में जैसे कि काफी सारे जो अपने पॉपुलर चैनल, जितने भी अपने आर्म रेसलिंग के पॉपुलर चैनल्स हैं लगभग मैं सभी को फॉलो करता हूँ, शायद ही कुछ चैनल्स ऐसे होंगे नजर से हटे हुए जो शायद मैं जिन्हें फॉलो ना करता हूँ, लेकिन जैसे मेनली डेवन लरेट है, आर्म रेसलिंग TV है, दोनों को फॉलो करता हूँ मैं, माइकल टॉड इनका भी चैनल फॉलो, मतलब जो बड़े बड़े आर्म रेसलर हैं उन सबके चैनल फॉलो करता हूँ।
और लगभग नजर सब पे रहती है, लेकिन यह है कि जो फेवरेट ज्यादा हैं, जो ज्यादा पसंद है मुझे, उनको मैं ज्यादा देखता हूँ। तो अभी यही है। देव चेफी जो कि अमेरिका से है, उसका मैच लेवांस अग्निशविली के साथ होने वाला है कल, लगभग अब से 25 घंटे में वो मैच है, 24 घंटे या 25 घंटे में मैच है। तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका, कोई प्रिडिक्शन ओपिनियन? उसके बारे में ओपिनियन मैं ये देना चाहूंगा कि मैं पहले मैं अपना पिक बता देता हूँ कि मेरा पिक कौन है। तो मेरा पिक है लेवान, और लेवान क्यों है पिक वो भी बताता हूँ। देखो, देखने के लिए तो जैसे जो डेव शैपी है वो भी एक बहुत अच्छा नाम है सर, पुराना और बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल, मतलब बहुत ही खतरनाक, इजी मनी नाम उसका इसीलिए है, ठीक हाँ है। तो उसमें अच्छी पावर है, बट अभी जो हाल फिलहाल में लेवान ने जो ग्रो किया अपने 1-2 साल के अंदर, जो अच्छी लेवल पर वो ग्रो कर रहा है जिस तरह से, और जिस तरह उसकी बॉडी बॉडी भी ग्रो हो रही है, स्ट्रेंथ भी ग्रो हो रही है, और उसके जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि लेवान जीतेगा, क्योंकि उसके पास एडवांटेजेस भी ज्यादा है, वेट ज्यादा है उसके पास, हाइट ज्यादा है, उसका बॉडी शेप, उसका सॉरी शेप नहीं कहूंगा, उसका बॉडी का जो साइज है, आर्म हाथों का साइज है उसका, वो भी उसका डेव शेफी से ज्यादा है। अब लेकिन ये कहेंगे कि डेव शेफी में भी रॉ पावर बहुत अच्छी है, जो एक स्ट्रेंथ होती है अंदर वाली, वो डेव शेफी की बहुत अच्छी है, बट ऐसा लगता है मुझे कि डेव शेफी सिर्फ एक गेम में ज्यादा स्ट्रांग है, उनका जो गेम है ना वो उस गेम के अंदर ज्यादा स्ट्रांग है। वो आपने भी देखा होगा, वो टेक्निकली ज्यादा वैसे मतलब इतना वो नहीं रखते अपना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लेवान है वो टेक्निकली भी खेल लेता है और स्ट्रांग भी है, पॉसिबिलिटी ज्यादा मुझे लेवान की लग रही है, क्योंकि लेवान के पास टॉप रोप का भी एडवांटेज है, हुक खेलना उसे भी आता है, लेकिन डेव शेफी का एक ही मूव है, वो अपना एक साइड प्रेशर खेलते हैं जिसमें भी उसके उनकी अगर रिस्ट मुड़ जाती है तो वो उसी हाँ में लगे रहते हैं, किंग्स मूव आ जाता है, लेकिन वो गेम नहीं है उनका कि वो एक मतलब उनके पास अलग अलग तरह की टेक्निक्स नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा बस। तो मैंने भी मेरा यही पिक चीज तो देखी, लेवान। मैंने भी डेव के बारे में यही चीज देखी कि सब मेन पावर तो हुक में तो बहुत ज्यादा पावर है उसकी, जो हुक के साथ साइड प्रेशर लगाता है। शायद ही वर्ल्ड में एक डेनिस था जो बस एक जो उसे रोक पाता था, या फिर जॉन ब्रिजिंग स्टार्टिंग के डेज में, जॉन ब्रिजिंग, ये दो लोग सिर्फ उसे बिल्कुल। रोक पाए हैं हुक में। आज तक कोई तीसरा आदमी नहीं रोक पाया डेव को हुक में। पर ये क्या है, उसकी रिस्ट मैंने देखा है कि कई मैचेस में रिस्ट थोड़ी सी, हालांकि जीत जाता है मैचेस को, बट रिस्ट थोड़ी सी पीछे चली जाती है एक नॉर्मल प्लेयर्स के साथ भी, जो कि वर्ल्ड के टॉप 3 नहीं है। और लेवान से ज्यादा प्रोनेशन तो टॉप रोल किसी का शायद आज की डेट में होगा भी नहीं। विटैली से, विटैली को भी टॉप रोल उसने कर दिया था, तो सबसे ज्यादा प्रोनेशन उसी का ही है। तो मुझे लग यही रहा है कि टॉप रोल कर देगा लेवान, बिल्कुल। उसको हुक में नहीं जाएगा मैच। हुक में जाएगा तो डेव चेफी स्ट्रांग रहेगा, लेकिन टॉप रोल। अच्छा, एक डेवन लेरेट ने एक आर्मबेट एप्लीकेशन के बारे में आपको पता है? पता तो है। हाँ, आर्मबेट, और एक उसने आर्मबेट को एक स्टेकिंग्स वेबसाइट है। स्टेकिंग में क्या होता है, उसमें आप प्लेयर्स के मैचेस पे पैसा लगा सकते हो, जैसे हो रहा है तो पैसा लगा सकते हो उसके ऊपर। ये बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, हालांकि उसमें रिटर्न में जो कि वो थोड़ी मुझे कमी लगी कि रिटर्न में उतना नहीं मिलता। अगर आप 1,000 रुपये लगा रहे हो तो रिटर्न में आपको डबल नहीं, 2,000 नहीं मिलेंगे, 1,500 रुपये ही मिलेंगे। और अगर आप हार गए, आपका प्लेयर हार गया जिस पर आपने पैसा लगाया, तो वो 0 हो जाएंगे पैसे। ये थोड़ा सा नेगेटिव है उसका, तो लेकिन फिर भी अच्छा है कम्युनिटी के लिए। अगर आपको बहुत ही ज्यादा श्योर है, जैसे मुझे लैरी विल्स वर्सेस स्कूल बॉय मैच था, उसमें मुझे 100% श्योर था कि भाई लैरी विल्स हारेगा ही हारेगा, स्कूल बॉय जीत जाएगा उस आराम से, क्योंकि बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस है स्कूल बॉय के पास। तो मैंने उसमें लगा दिए 5,000 रुपये, उसके मुझे मिल गए सात अच्छा, सात 7,500 रुपये मिल गए। तो मैं ऐसे ही बहुत मैचेस पे सही। लगा रहा हूँ। इसमें भी मुझे लेवान पे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसमें भी आज मैंने लेवान पे लगा दिए 3,000 रुपये। पर लेवान के इसमें क्या कंडीशन डाल दी डेवन लेरेट ने, कि लेवान को 6 के 6 राउंड जीतने पड़ेंगे। अगर डेव ने उसे एक भी राउंड हरा दिया, क्योंकि उसे पब्लिक को, अगर नॉर्मल मैच होगा तो डेव पे कोई पैसा लगाएगा नहीं, और पैसा नहीं लगाएगा तो सबको रिफंड करना पड़ जाएगा जिसने लेवान पे लगाया। तो डेवन लेरेट ने कंडीशन डाल दी कि वो 6 के 6 राउंड जीतेगा लेवान, तो ही जीतोगे आप उस पर लगाए हुए पैसे पे। और डेव अगर एक भी राउंड जीत गया, भले ही 5-1 से हार जाए लास्ट में वो, लेकिन जिसने उस पर बैट लगाई है उसे पैसे मिल जाएंगे। अगर आपने उस पर 1,000 रुपये लगाए हैं तो 1,500 आपको मिल जाएंगे, अगर वो एक राउंड भी जीत गया। लेकिन मैंने फिर भी लेवान पे पैसे लगाए, मुझे विश्वास है 6-0 से जीतेगा, क्योंकि उस बंदे ने बोला हुआ भी है कि मैं अपने प्रोफेशनल करियर में जब तक खेलूंगा एक भी राउंड नहीं हारना मुझे, और उसके टॉप रोल पे मुझे बहुत भरोसा है। तो देखो कल क्या होता है, 3,000 रुपये मेरे डूबते हैं या कुछ चलते हैं। तो आकाश भाई, सारे सवाल जो मेरे था कर लिए मैंने आपसे। कुछ और आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, या अपना कुछ नेक्स्ट टारगेट बताना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि जिन लोगों को लग रहा है कि मतलब कि मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस लाने के, और 100% रेडी हूँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ खेलने के लिए, और इस वीडियो के थ्रू जो भी आर्म रेसलर या
जो भी मतलब जो मेरे वेट का हो या कोई भी हो, जिसको अगर मुझसे आर्म रेसलिंग सुपर मैच करना हो तो मुझसे कांटेक्ट करे, और मैं सुपर मैच के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हूँ। तो आओ और मुझसे मेरे साथ सुपर मैच खेलो, मैं बुलाऊंगा और मैं मैच करवाऊंगा, यही मेरा मैसेज है। और बाकी बिगनर्स के लिए यह है कि प्रैक्टिस करो, अच्छी अच्छी डाइट लो, प्रॉपर रेस्ट करो, और किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करो, थोड़ा टाइम दो, एक टाइम आएगा ऑटोमेटिक आप अच्छे आर्म रेसलर बन जाओगे। अच्छा आकाश भाई, बहुत बहुत थैंक यू यार, आपने टाइम दिया, अपना चैनल पे आए, बहुत ज्यादा आपको थैंक्स भी, यार आपको आपका। भी, एक लास्ट में नहीं आप आपको भी, लोगों को बोल दो कि तो बहुत अच्छा होगा कि आर्म रेसलिंग न्यूज पे सब्सक्राइब कर लें, आर्म रेसलिंग न्यूज और अरे आर्म रेसलिंग बिल्कुल। न्यूज हिंदी चैनल पे। तो दोस्तों आर्म रेसलिंग न्यूज, इनका जो नया चैनल है हिंदी वाला, और जो इनका पुराना चैनल है आर्म रेसलिंग न्यूज, क्या नाम है उसका, पूरा नाम क्या है उसका? आर्म रेसलिंग न्यूज ही उसका पूरा नाम है और इसका नाम है आर्म रेसलिंग न्यूज ओके, आर्म हिंदी। रेसलिंग न्यूज। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इनके दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और इनके वीडियो को शेयर करो, ये बहुत अच्छे वीडियो लाते हैं भाई। तुम लोगों को शॉर्ट में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो तुम्हें 1-2 घंटा देखनी पड़ेगी वो 15-20 मिनट में दे देते हैं। तो इस तरह की चीजों को भी सपोर्ट करना चाहिए भैया, प्रमोशन होता है ये भी, हम ही लोगों के लिए फायदा है। सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा थैंक यू भाई आकाश, थैंक यू यार, बाय बाय। थैंक यू।